हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। कैसे दोस्तों, अच्छे हैं ना। चलो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके चैप्टर का। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये जो सिद्धांत है इसी पर बेस्ड ही है, इसी पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, आप सबको पता होगा, कोई नई बात नहीं बता रहे आपको हम, कि कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, जिनमें कार्बन मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इनके साथ मतलब कार्बनिक यौगिक में तुम्हारे और कुछ यौगिक जो होते हैं उपस्थित होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब तत्व भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब आप कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, लिखते जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कार्बन कैटेनेशन की प्रकृति की वजह से, श्रृंखलन की वजह से इसके जो हैं 3 मिलियन से ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, मतलब 30 लाख। ठीक है, 3 मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर कितना होता है आपका, 10 लाख होता है, 10 लाख, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 मिलियन मतलब 30 लाख से ज़्यादा आपके कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ समझाना क्या चाहते हैं, इस बात को समझिए आप। तो देखिए ये रही बातें कार्बन से संबंधित। अब देखो सबसे पहले अब ये देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो सबसे पहले किस में देखा गया, जीवों में। ठीक है, सबसे पहले किस में देखा गया, जीवों में देखा गया। तो ये हुआ कि भाई देखो ये जो कार्बनिक यौगिक हैं वो जीवों में ही पाए जाते हैं, तो इनको हम लैब में, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ठीक है, इनको हम लैब में मतलब प्रयोगशाला में इसका निर्माण हम नहीं कर सकते, इसको हम नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि जीवों में पाई जाने वाली एक शक्ति है। ठीक है, और इसका जीवों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका निर्माण जो है, हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो अकार्बनिक होते हैं, उनका हम निर्माण प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है 1815 में, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने, ठीक है, बर्जीलियस ने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, वो विचारधारा क्या है जरा इसको देखिए। तो देखिए यहां पर बर्जीलियस ने क्या कहा कि जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है और यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है। ठीक है, आपने क्या देखा, बर्जीलियस साहब जी ने ही बात बताई कि जैव शक्ति जो होती है केवल और केवल जीवों में ही उपस्थित होती है। ठीक है, और ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप देखिए इस बात को आगे समझना जरा। इन्हीं विचारधारा के द्वारा कहना क्या चाहते थे, ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि ये जो जैव शक्ति है केवल और केवल जीवों में उपस्थित होती है, इसको जो है हम प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब सीधा सा ये मतलब हुआ कि हम कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। यही सिद्धांत क्या कहलाया, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत का सीधा सा मतलब क्या समझे, कि हम कार्बनिक यौगिकों को, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। सीधा सा मतलब ये है, सिंपल सा आपको समझना है जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। यही सिद्धांत क्या कहलाया, जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। लेकिन मजे की बात क्या हुई आगे, जरा बात को सुनिएगा, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। देखिए ये बात जो है,
ये वाली बात जो है बर्जिलिय साहब जी ने बताई थी 1815 में। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, 1815 में बर्जिलिय साहब जी ने ये बात बताई थी, ठीक है। तो आगे क्या होता है देखिए जरा, आगे इन्हीं के एक छात्र ने, ठीक है, किसके, बर्जिलिय साहब जी के एक छात्र ने 1828 में, ठीक है, उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक होलर, ठीक है, फ्रेडरिक होलर ने, तो फ्रेडरिक होलर ने 1828 में एक बहुत ही गजब का कारनामा कर डाला, जिसकी वजह से बर्जिलिय साहब जी को बड़ा झटका लग गया, ठीक है। कैसा झटका लगा था जरा बात को सुनिएगा, क्योंकि देखो बर्जिलिय साहब ने 1815 में जो बताया था वो बताया था, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक कौन है, उन्हीं के एक चेला है, ठीक है, उन्हीं के शिष्य हैं, छात्र हैं, किसके, बर्जिलियस के। इन्होंने क्या किया, लिया था अमोनिया। अब आपसे मैं पूछूं अगर कि अमोनिया ऑर्गेनिक है कि ना ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है क्या कार्बन, तो आप बोलोगे सर ये तो अकार्बनिक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, साइनिक अम्ल लिया, HOCN, ठीक है, साइनिक अम्ल। उसके बाद ये भी आपका HOCN है कि अभी ये भी क्या है आपका अकार्बनिक है, ठीक है। देखो यहाँ पर सी समझ के मतलब कार्बन बोलते CN होता है, ठीक है, आपका साइनाइड है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको इन्होंने ले के अभिक्रिया करा के देखो क्या बना लिया, NH4OCN बना डाला। ये क्या है आपका, अमोनिया है, और ये आपका क्या है, साइनिक अम्ल है, ठीक है, क्या है आपका, साइनिक अम्ल, और ये आपका क्या हो गया, अमोनियम साइनेट, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, अमोनियम साइनेट। तो अमोनिया को और साइनिक अम्ल को लेकर के इन्होंने क्या बनाया, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, अमोनियम साइनेट बनाया। अब इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया, ठीक है, अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया, NH4O CN को क्या किया, गर्म किया। जब गर्म किया इन्होंने तो पता है क्या बन गया, NH2CO NH2, ठीक है, NH2N, ठीक है, आपका N, एक N ये है ना, तो हाइड्रोजन चार है आपका, तो NH2 हो गया, फिर CO, फिर NH2। तो ये अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो क्या बन गया, NH2CO NH2, और ये आपका क्या हुआ, यूरिया, ठीक है, यूरिया। और यूरिया कैसा कंपाउंड है, कार्बनिक, कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। यूरिया कैसा है, कार्बनिक, मतलब जो बातें बर्जिलिय साहब जी ने बताया था कि कार्बनिक यौगिक को हम में बना ही नहीं सकते, उसको फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, अमोनिया लिया, साइनिक अम्ल लिया, बनाया, उसको मिला के क्या बना दिया, अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने गर्म किया तो प्राप्त हो गया यूरिया, और यूरिया कैसा है, कार्बनिक है। इसका जब निर्माण हुआ यूरिया का सबसे पहले, तो उसी समय बर्जिलिय साहब जी को बड़ा तेज झटका लगा था। और वैसे भी आप लोग, जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ भाई नहीं हो सकता, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं हो सकता, नहीं कर सकती चीज़, कोई प्रूव ही नहीं कर सकता इस चीज़ को, हो ही नहीं सकता, और आप में इसे कोई कर दे और बोले लो सर हो गया, तो मुझे झटका लगेगा ना। वही घटना घटी थी इन दोनों के बीच में, किसके, फ्रेडरिक और फोलर के बीच में। तो आपको इतनी बातें समझ में आई, तो यहाँ से तो थोड़ा झटका लगा, चलो यहाँ तक तो ठीक था कि बर्जिलियस को यहाँ किसने झटका दिया, फ्रेडरिक ने झटका दिया था। अब देखो बात आगे आती है, उसके बाद भाई देखो 1845 में एक लोग और आ गए भाई, उन्होंने कहा लो बर्जिलियस साहब जी, आपकी बातों को मैं भी गलत प्रूव करने जा रहा हूँ। आपके जो कोलबे थे, ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे आपके, कोलबे, 1845 में इन्होंने क्या किया, ठीक है, कोलबे, इन्होंने क्या किया था, 1845 में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके इन्हीं यौगिकों की तत्वों की मदद से इन्होंने किसका निर्माण कर डाला, एसिटिक अम्ल का। लो भाई एसिटिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल कैसा है, मतलब ये आपका क्या, एथेनोइक एसिड, कैसा है, ऑर्गेनिक है, कैसा है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। तो यहाँ तो फिर और तगड़ा झटका लग गया बर्जिलियस को, ठीक है, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई। यहाँ से उनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत को बहुत तेज आघात लगा, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ तक तो भी ठीक था,
यहां तक तो ठीक था, उसके बाद एक लोग और आ गए भाई, ठीक है, एक लोग और आ गए, वो कौन थे? वो थे बर्थोले ने, ठीक है, बर्थोले, और बर्थोले 1856 में, ठीक है, बर्थोले ने 1856 में क्या बना डाला? कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से इन्होंने बना डाला मेथेन। क्या बना डाला? मेथेन। और मेथेन कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है? ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। तो यहां से बर्जीलियस के जैव सिद्धांत, ठीक है, वेटल फोर्स थ्योरी, वेटल फोर्स थ्योरी जो थी वो उसका क्या हो गया? पूरी तरीके से अंत हो गया, ठीक है। जो जैव शक्ति सिद्धांत था भाई, ठीक है, जिसके मैंने बात की, जैव शक्ति सिद्धांत, एक बार फिर से मेरी बातों को अच्छे सुन लीजिए कि जैव शक्ति सिद्धांत में क्या था कि हम अकार्बनिकों का, अकार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं प्रयोगशाला में, जबकि कार्बनिक का नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई थी? बर्जीलियस साहब जी ने बताया था, और यही सिद्धांत क्या कहलाया था? जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया था। लेकिन होलर ने 1828 में क्या बना के दिखाया? यूरिया बना के दिखाया। और आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है, पहला यौगिक है, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण हो गया, उसके बाद किसका निर्माण हो गया भाई? एस्टिक अम्ल का निर्माण हो गया, उसके बाद मेथेन का निर्माण हो गया, और सब के सब ये सब क्या? कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक निर्माण हुआ ना, प्रयोगशाला में हुआ ना, और ये सारी चीज़ें भी क्या होती है? जीवन में मौजूद होती है, लेकिन इसको प्रयोगशाला में बना दिया गया, ठीक है। यही सिद्धांत जो था, मतलब जो दो, ये सिद्धांत जो था भाई, इसका पूरी तरीके से क्या हो गया? पूरी तरीके से ये ख़त्म हो गया। तो बस यही समझना था आपको इसमें, इस क्लास में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी बजा देना, ठीक है। चलो फिर, उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा काम समझदार हो यार, ये सब काम आप लोग को तो खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए फ्रेंड। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।